All eyes were fixed on the baby, who now sat prone on mother's golden knees. It was a pretty picture. अब सभी की जो निगाहें थी उस बच्चे पर थी, जो कि अब मदर गोल्डन के घुटनों के ऊपर बैठा हुआ था, और ये एक बहुत ही प्रिटी पिक्चर थी. द रोजी डिम्पल्स क्रिएचर, द येलो फ्लॉश रफल्ड ऑल ओवर हिज हेड, हिज स्वीट लिटिल माउथ ओपन इन अ बीमिंग स्माइलिंग बैक एट हिम. मदर गोल्डन काम फेस इन इट्स फ्रेम ऑफ सिल्वर हेयर एंड फादर गोल्डन इन हिज बिग लेदर चेयर. जो फादर गोल्डन और मदर गोल्डन थे, एक प्लीसेंट पिक्चर लग रही थी जब सारे बच्चे उनके आसपास बैठे थे और उन्होंने उस बेबी को भी, बॉय को भी अपनी गोद में ले रखा था. द फाइव चिल्ड्रंस विद देयर सोबर फेसेस लिट अप विद अनयूजुअल एक्साइटमेंट. जो फाइव चिल्ड्रंस थे उन्होंने अपने सोबर शांत जो चेहरा था उसको देखा और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसके नाम को सोचने लगे. अ प्लीसेंट फैमिली पिक्चर, बट नाउ ऑल द लाइट इन द रूम सीम टू सेंटर ऑन द बेबीज येलो फ्लॉसफी कर्ल्स. एक ये प्लीसेंट फैमिली पिक्चर थी, लेकिन जो लाइट थी रूम की वो सीधे सेंटर में उस बेबी के ऊपर ही थी, जो कि एक फ्लॉशी कर्ल्स रेशम की भांति मुलायम जो बेबी था उसके ऊपर ही वो लाइट थी. मीन सेंटर वो ही बेबी था. अगू सेट द बेबी इन अ गर्गल, ही सेज हिज नेम वू. अनाउंस जोसफ, जोसफ ने अनाउंस किया कि इसका नेम वू होगा. डोंट बी अ चकल हेड जोसफ, सेड एडम. एडम ने कहा डोंट बी अ चकल हेड. वी हैड बेटर गिव द चाइल्ड सुटेबल नेम मदर, हम इसको और अच्छा नाम दे सकते हैं. उसने मदर से कहा ओ कॉल हिम आर्थर, इसे हम ऑथर कहेंगे. बिल, रिचार्ड, चार्ली, ये सब नेम्स थे जो सब बच्चे बोल रहे थे उस बेबी के लिए. रिग्रेंट क्राइड द चिल्ड्रंस टुगेदर, दो बच्चों ने आपस में चिल्लाया जो एक नेम था. आई डू लव अ बाइबल नेम, सेड मदर गोल्डन. मदर गोल्डन ने कहा कि मुझे कोई बाइबल का नेम हो वो मुझे पसंद है. ऑल आवर ओन चिल्ड्रंस हैव बाइबल्स नेम्स, लेट अस नॉट कट द लिटिल स्ट्रेंजर ऑफ फ्रॉम दिस प्रिविलेज. हमारे जितने भी बच्चे फाइव चिल्ड्रन हैं इनके नाम नेम भी हमने बाइबल से ही रखे हैं, और हम भी इसका भी नेम हम बाइबल के थ्रू ही रखेंगे. बाइबल जो है क्रिश्चियन की होली बुक होती है. लेमियन डियर यू वर नेम्ड आफ्टर अ किंग, सेड मदर गोल्डन. लेमियन डियर तुम्हारा नेम एक किंग के ऊपर है. ही वॉज अ गुड बॉय टू हिज मदर एंड सो आर यू, वह अपनी माँ का प्यारा बच्चा था जैसे कि तुम हो. ब्रिंग द बाइबल एंड लेट अस सी वॉट इट ओपन एट. जोसफ यू आर द यंगेस्ट, यू शैल ओपन इट. उन्होंने कहा कि बाइबल लेकर आओ और हम देखते हैं उसे ओपन करके कि इसमें क्या नाम निकलता है. तुम यंगेस्ट हो इसलिए तुम ही ओपन करोगे. जोसफ ओपन द ग्रेट ब्राउन लेदर बाइबल एंड क्लोजिंग हिज आइज लेड हिज हैंड एंड ऑन द पेज, देन लुकिंग डाउन ही रीड. जोसफ ने बाइबल लेकर आया और उसे ओपन किया, और उसको जो कि ब्राउन लेदर बाइबल थी उसने अपनी आँखों को क्लोज किया, बंद किया, अपने हाथ को एक पेज पर रखा और उसको रीड करने लगा. देयर इज अ लिटिल बेंजामिन देयर रूलर एंड द प्रिंस ऑफ जुदाह देयर काउंसलिंग द प्रिंसेस ऑफ जेब्यूलन एंड द प्रिंसेस ऑफ निपताली. इसका जो नेम था वो निकला लिटिल बेंजामिन. जेब्यूलन एंड निपताली आर डिफिकल्ट नेम, और जो जेब्यूलन एंड निपताली जो डिफिकल्ट नेम थे इसलिए उन्होंने उसका नेम सेड मदर गोल्डन. मदर गोल्डन ने कहा बेंजामिन शैल बी दिस चाइल्ड नेम, बेंजामिन इस बच्चे का नाम होगा. लिटिल बेंजामिन द लॉर्ड ब्लेस एंड कीप हिम, भगवान का ही आशीर्वाद है और इसको हम रखेंगे. नाउ द मैसेज ऑफ द चैप्टर इज अ चाइल्ड कैन विन एवरी वंस हार्ट, एक बच्चा जो है प्रत्येक के हृदय को जीत सकता है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट डिड मदर गोल्डन थिंक व्हेन शी हियर द क्राई, हूज क्राई वाज दैट. मदर गोल्डन ने क्या सोचा जब उन्होंने उस रोने की आवाज़ को सुना, और वो किसकी रोने की आवाज़ थी. मदर गोल्डन थॉट व्हेन शी हियर द क्राई दैट द किटी हर कैट वॉन्ट टू कम इन बट अ बेबी वॉज क्राइंग. मदर गोल्डन ने सोचा कि जो उनकी पैट कैट है, पालतू बिल्ली है, वो क्राई कर रही है और अंदर आना चाहती है, लेकिन वो एक बेबी के रोने की आवाज़ थी. क्वेश्चन नंबर टू, हु ब्रॉट द बास्केट इन द हाउस, वॉट वॉज देयर इन द बास्केट, बास्केट को अंदर घर में कौन लेकर आया और उस बास्केट में क्या था. मदर गोल्डन ब्रॉट द बास्केट इन द हाउस, अ बेबी वॉज देयर इन द बास्केट. मदर गोल्डन बास्केट को अंदर लेकर आई घर में और उसमें बास्केट में एक बेबी था.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड फादर गोल्डन सजेस्टेड अबाउट द बेबी, हाउ डिड द फैमिली रेस्पॉन्ड टू हिज सजेशन। जो फादर गोल्डन थे उन्होंने उस बेबी के बारे में क्या सजेस्ट किया और जो फैमिली का रिएक्शन क्या था। फादर गोल्डन सजेस्टेड अबाउट द बेबी दैट दे हैड ऑलरेडी 5 चिल्ड्रन, देयर वर सम प्लेसेस वेयर दे कुड कीप हिम। फादर गोल्डन ने कहा कि हमारे पास पहले से ही 5 चिल्ड्रन हैं और हम इसे और भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इसको रख सकते हैं। बट फैमिली मेम्बर्स हैड नॉट एग्रीड विद फादर गोल्डन सजेशन, दे वॉन्टेड टू कीप हिम। लेकिन जो फैमिली के मेम्बर्स थे वो फादर के सजेशन से, फादर गोल्डन के सजेशन से सहमत नहीं थे, वे उसे रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वर अदर चिल्ड्रन इन द फैमिली एक्साइटेड अबाउट द न्यू बेबी। क्या जो परिवार के अन्य बच्चे थे वो भी एक्साइटेड थे उस न्यू बेबी के लिए। आंसर, यस, अदर चिल्ड्रंस वर एक्साइटेड अबाउट द न्यू बेबी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द नेम द अदर फैमिली मेंबर सजेस्टेड, हु सिलेक्टेड द नेम एट लास्ट। जो नेम थे फैमिली मेंबर्स के द्वारा क्या क्या सजेस्ट किए गए और किसने उस बेबी के नेम को सजेस्ट किया। द अदर फैमिली मेंबर्स सजेस्टेड द नेम गू, ऑथर, बिल, रिचार्ड, चार्लीज एंड रिग्नेट। मदर गोल्डन सिलेक्ट द नेम बेंजामिन एट लास्ट। जो अन्य फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने कई नाम सजेस्ट किए लेकिन मदर गोल्डन ने उसका नाम बेंजामिन रखा अंत में। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप प्रैक्टिस ऑफ ऑल एक्सरसाइज एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू।